इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। ये हमारा कहना नहीं है, ये इंटरनेशनल मीडिया का ये रिपोर्ट है जी कि पाकिस्तान खित्ते का एक अहम मुल्क है। इसके जो जिसके साथ ये जाएगा वो सुपर पावर बन जाएगा हिंद का। मैं जो बहस जंग जारी है बिटवीन द चाइना एंड अमेरिका, और इसमें पाकिस्तान पे दबाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान इस दबाव बच के निकल के जा रहा है जी। और अभी तो फ़िलहाल तो वो चाइना का साथ दे रहा है। तो अब सवाल ये है कि मशरक वस्ती के अंदर अमेरिका अपना असर रसूख बढ़ा रहा है। पहले रिपोर्ट से ये कहता है कि क्यों अमेरिका भारत के जरिए पाकिस्तान को रोकना चाहता है, इसलिए कि पाकिस्तान 21वीं सदी का एक अहम मुल्क बन रहा है। पाकिस्तान दो सुपर पावर चीन रूस से भी बहुत करीब हो गया है, साथ ही तुर्की से भी इसमें शामिल है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका है जिसके साथ भारत है। पाकिस्तान 21वीं सदी में मुख्तलिफ अहम मुल्कों के दरमियान में ज़मीनी रास्ते को कंट्रोल करने की पोजीशन में आ रहा है। आयल की तजारत के सारे स्टेक होल्डर इसके मोहताज हो सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत का हामिल है, जो इसराइल के खिलाफ खौफ की अलामत है। मशरक वस्ती के मुल्क भी ममालिक भी इसराइल की जारन अजाइम पर पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को अस्करी एटमी सलाहियत में भारत पर सबकत हासिल है, ये दूसरी बात है। चीन पाकिस्तान इकतदी इरादी पाकिस्तान की तीसरी अहमियत है। इस तरह इस तजारती इरादारी से पाकिस्तान एक मजबूत माशी मुल्क बन रहा है। लेकिन इसको रोकने के लिए G7 का जो इजलास हुआ है उसमें उन्होंने फैसला किया है कि उसको इरादारी को रोकेंगे। उसका तदारुक किस तरह चीन करता है वो देखने की बात होगी। इकतदी अब हम ये जुमला हमारा है, ये इसमें रिपोर्ट में शामिल नहीं है। इकतदी तरक्की के बाइस पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक के चंगल से निकल सकता है, जो इन आलमी इदारों के लिए बुरी खबर हो सकती है। मुत्तहदा अरब अमारात से पाकिस्तान के इकतदी ताल्लुक बढ़ रहे हैं, जहाँ पाकिस्तान ईरान और दीगर इस्लामी हुकूमत से मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मुत्तहदा अरब अमारात गवादर पोर्ट में बड़ी सरमायाकारी कर रहा है, इसमें चीन की मदद भी शामिल हो रही है। इस खत्ते में तजारत को फ़रोग मिल सकता है। पाँचवीं अहमियत यह है कि पाकिस्तान अस्करी लिहाज से मजबूत होता जा रहा है, जिससे अमेरिका को भारत को खत्ते का सुपर पावर बनाने का मनसूबा खतरे में है, क्योंकि पाकिस्तान ने अस्करी लिहाज से मुतद्दिद मरतबा भारत पर बरदस्त होने का सबूत दिया है। अब ये कह रहा है कि जो मुल्क भी पाकिस्तान के साथ, यानी पंच लाइन ये है कि जिसके साथ भी पाकिस्तान हो जाएगा वो दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा। बिल्कुल आइंदा है। बस अब एक आखिरी बात ये कर लें कि ये पुतिन जो बाइडन की मुलाकात जो हो रही है वो उसमें ये कहा, उसने रूसी सदर ने ये कहा है कि मुझे उम्मीद है, पुतिन ने, कि उम्मीद है कि बाइडन ट्रंप की नस्बत कम इसराबी होंगे। यानी वो बड़ा मुश्किल हो जाता था, उसमें बहुत ज़्यादा इसराब था, बेचैनी थी। तो ये इस लिहाज से अब इसका जो बुनियादी तौर पर जो हमारा तजिया है वो ये है कि उसकी ये कोशिश होगी कि रूस को चीन के ख़िलाफ़ उकसाए और उसको डराए कि साहब अगर आप चीन उभर गया तो फिर आपकी हैसियत नहीं रहेगी, हम आपको तस्लीम कर लेते हैं सेकेंड सुपर पावर, लेकिन हम चीन को नहीं तस्लीम करते हैं अगर आप हमारा साथ दें। ये बुनियादी उनका एजेंडा है। अब देखना ये होगा कि रूस जो कि जिसका तेल चीन ने ख़रीद कर उसको मुस्तहकम किया है, उसकी मईशत को मुस्तहकम किया है, आया वो अमूमी तौर पर रूस का ये रवैया रहा है कि वो हमेशा अमेरिका का साथ देता है। हर यानी जैसे ही कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो रूस अमेरिका के साथ मिल जाता है किसी न किसी वजह से, आई डोंट नो, ये उनकी नफ्सियात का हिस्सा है या उनका डर का है या कुछ भी बात है। इस वक्त भी हमें ये डर है कि वो चीन का साथ छोड़ देगा और अमेरिका से मिल जाएगा। तो अगर ये हुआ तो ये एक बड़ी बुरी खबर होगी। और अब जो बात तो ये कर रहे हैं कि दुनिया में जंग के ख़तरा से बचाने पर मशावरत होगी, तो वो ख़तरा इस तरह से हो सकता है कि वो चीन को रोकें, अगर रूस को रोक लेगा। लेकिन अब चीन जो है यानी असला के लिहाज से भी और साइबर के हवाले से भी वो बहुत तरक्की कर गया है, और उसने तमाम टेक्नोलॉजी रूस की इस्तेमाल की है, अमेरिका की इस्तेमाल की है, उसने चोरी की है, राज चोरी की है अमेरिका के तमाम असला के, और बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी वाइज वो अमेरिका से आगे निकल गया है।
तो ये अब अमेरिका का प्रोपेगंडा भी हो सकता है। अमूमन अमेरिकन ये प्रोपेगंडा करते हैं कि कोई आदमी उसे अगर 50 साल से उससे भी कम हो जाए, ज़रा सा 49 साल हो जाए, कि उससे इतना आगे चला गया हो कि 49 का साल अभी वो पीछे है जी, तो शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि हम चाइना हमारे हाथ से निकल रहा है। 50 साल उसकी हद है कि 50 साल हमसे पीछे रहना चाहिए उसको, तो ये सूरत हाल है। पहले से तैयारी करते हैं वो, पहले तैयारी करते हैं। 50 साल उनका मंसूबा होता है जी, 50 साल उनका जीरो पॉइंट है जी, थ्रेश होल्ड उसका मैंने 50 साल है। 50 साल से कम मैंने कोई पर वो ताज़े नहीं होते कि वो उसकी वो जो मुल्क है टेक्नोलॉजी वाइज या असला वाइज या माशी तौर पर इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा ग्रो किया। और मुगलों के पास कितनी किंडे मुगल कितनी इंडस्ट्री चला रहे हैं, मुगल कितनी इंडस्ट्री चला रहे हैं उस तरह बरादरी के साथ, हमने सेगमेंट वाइज सेग्रीगेट नहीं किया हुआ, नहीं किया हुआ। अच्छा हाँ, लेकिन मतलब है कि आप ये बात तो मैंने सुना है कि वहाँ पर बड़ा एक्टिविटी है इस बरादरी की, तो क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान के अंदर हम इसलिए कह रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम मुग़ल हैं ख़ुद भी, बल्कि इसलिए कह रहे हैं कि मुग़लों की तादाद जो है पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो तादाद है यानी बरादरी वाइज वो मुग़लों की है, जो 5 करोड़ के करीब है, इसके बाद आराई हैं। तो ठीक हो गया सर वो तो, लेकिन अब मेरा ख्याल है बरादरी से आगे निकलना चाहिए। नहीं निकल गए हम तो बरादरी से आगे निकले, अब तो हमको मुगलों की थोड़ी बात करें, हम तो अब इस वक्त पाकिस्तान की बात करते हैं। हमने आपसे यही कहा कि पाकिस्तान तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आपने मच्छर चाचा को सुना, मच्छर चाचा बात कर रहे थे पाकिस्तान मतलब जिसके साथ मिल जाएगा वो दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा, मच्छर चाचा का ये कहना है। तो दोस्तों अब आप इनके वीडियो मुझे पता है जो पास्ट में आपने एंजॉय किए हैं, कई बार इन्होंने बोला है कि हमें फ्रांस के ऊपर डायरेक्ट न्यूक्लियर बम मार देना चाहिए, कई बार बोला है कि मैं मुगल साम्राज्य का आखिरी चश्मे चिराग जिल्लेलाही हूँ, मतलब वही बादशाह वगैरह हूँ, इस तरीके की बात कर चुके हैं चाचा। और मुझे समझ में नहीं आता ये एक पाकिस्तान का नेशनल मीडिया है, इसमें इस तरीके की बातें हो रही हैं प्राइम टाइम में। तो दोस्तों इस बार इन्होंने मतलब जो डिस्कशन किया है वो G7 समिट के बाद किया है। G7 समिट के बाद इन्होंने बोला है चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका एक CPAC जैसा नया प्रोजेक्ट ला रहा है। पाकिस्तान जो चीन का वन बेल्ट इनिशिएटिव हो उसे CPAC नाम से ही जानता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में हो पाकिस्तान उसे CPAC ही बोलता है। CPAC का फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो दोस्तों ये जो अमेरिका का नया प्रोजेक्ट है इसके बारे में तो मैंने पुराने वीडियो डाले हैं, आप देख सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें व्यापार होगा ट्रेड रूट से, जल से और एयर, ऑब्वियसली तीनों रूट से व्यापार होगा। और इसमें 40-45 मतलब अभी देश शामिल हो चुके हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इस तरीके का। हालांकि ऐसा प्रोजेक्ट चीन पहले ही लॉन्च कर चुका है, लेकिन चीन का प्रोजेक्ट का काम बहुत स्लो चल रहा है, आप समझ सकते हो। अब चीन के सामने अमेरिका का एक ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट खड़ा हो गया है जो कि बहुत ही मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है। और अमेरिका आप जानते हो अभी भी सुपर पावर है दुनिया की, और अमेरिका किसी भी देश में चाहे तो कभी भी कुछ भी कर सकता है, इतना तो उसके अंदर अभी भी सुपर पावर वाला दर्जा है। और अमेरिका के ज़्यादातर देश में हवाई अड्डे हैं, सैन्य पट्टियाँ हैं। तो दोस्तों अब ये सिचुएशन है, हालांकि ये तो वीडियो में बात हुई नहीं है, बात तो कुछ अलग ही टाइप की हो रही है। बात ऐसी हो रही है कि मतलब महत्वाकांक्षाओं में भी ऐसी बात ना सोचे कि जिस देश से पाकिस्तान मिल जाएगा वो सुपर पावर बन जाएगा। मतलब ये क्या लॉजिक है इन बेवकूफ़ों का। चीन ने पहले ही पाकिस्तान से बड़ा इन्वेस्टमेंट ईरान में कर दिया है, ईरान से वो सीधा अफ्रीकन कंट्री तक पहुंच सकते हैं, अरब कंट्रीज़ तक पहुंच सकते हैं। और ईरान से मतलब कैसे, ईरान पहुंचने के लिए उन्हें कुछ नहीं, अफ़गानिस्तान को एंगेज करना है। अफ़गानिस्तान अमेरिका का कट्टर दुश्मन है, अफ़गानिस्तान से हाथ मिलाकर वो आराम से ईरान तक पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान को उन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये दोगला देश है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। तो ये किस मतलब किस बात को लेकर उड़ रहे हैं ये बेवकूफ़। चीन ने जो भी पैसा दिया है वो एज अ लोन दिया है CPAC प्रोजेक्ट में, तो वो लोन तो इन्हें वापस करना ही पड़ेगा। तो ये बेवकूफ़ मतलब ये ऐसा खरबूजा है जो चाकू के ऊपर गिरने पर या चाकू इसके ऊपर गिरने पर दोनों में खरबूजा ही कटना है, तो पाकिस्तान अपने आप में ही ऐसा खुश हो रहा है। तो इन बेवकूफ़ों को अब कुछ नहीं कह सकते, इनकी जो मुग़ल एम्पायर है
वो लगता है फिर से ये अपने सपनों में स्थापित कर चुके हैं। ये बात करते हैं जब भारत में मुगल एम्पायर थी तो ये था वो था फलाना था ठिकाना था मुस्लिम हुकूमत थी। अरे पाकिस्तान में 70 साल से मुस्लिम हुकूमत है, तुमने क्या उखाड़ लिया? इकोनॉमी वाइज तो तुम कुछ कर नहीं पाए, जंगें भी पूरी हारे हो तुम। बस एक ठो ले दे के चोरी चकारी करके वो तुमने न्यूक्लियर बम बना लिया है तो बस वही तुम बताते रहते हो दुनिया को, इसे कर देंगे उसे कर देंगे ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो डालूं।